I'm Dr. Mubashar. Today we are going to discuss what is cholesterol myth. कि ये कोलेस्ट्रॉल के मुतलक जो गलत फहमी या गलत किस्म की बातें जो हैं जो फैली हुई हैं सोसाइटी के अंदर, जिससे भी हम बात करते हैं या डिस्कस करते हैं, जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो है उसका इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको दिल की बीमारी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक किस्म का एक आप कह सकते हैं मिथ है, एक खौफ है, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है। देखें, ये खौफ, ये सारी की सारी जो गेम है ये होती है फूड इंडस्ट्रीज़ की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। यही जो है यही एक चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, जैसे यही मुख्तलिफ चीज़ों को मार्केट के अंदर अपनी चीज़ें बेचने के लिए, अपना नफ़ा कमाने के लिए यही एक चीज़ को मार्केट में फैलाएंगे कि इस बीमारी के लिए ये चीज़ आप खानी शुरू कर दें, वो पता चलेगा जी वो उसकी बेतहाशा पहले से वो उसकी जो है ना प्रोडक्शन वो कर रहे होते हैं वही कंपनीज, ठीक है। ऐसे ही ये फलां आपको बीमारी होने लगी है, मौसम आ गया, फलां वैक्सीन लगवानी शुरू कर दें, ये सारी की सारी एक आप ये समझें इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो है इसके मतलब मैं आपको बताऊं कि ये साल 1950 की बात है, 1950 जबकि स्टडी हुई थी हार्ट डिजीज़ तकरीबन 6 मुल्कों में, मोर देन हाफ डजन कंट्रीज़, बेसिकली ये 22 कंट्रीज़ में हुई थी, लेकिन जो है उन्होंने स्टडी करने वालों ने बाद में सिर्फ 6 मुल्कों को मेंशन किया है। उन 6 मुल्कों में क्या मेंशन किया है कि ये एक ग्राफ से आपको बता रहे हैं कि ग्राफ है 6 मुल्कों में ये किया है कि ये ग्राफ की जो लाइन है ये शो कर रही है हार्ट अटैक, और ये जो है लाइन शो कर रही है फैट कंजम्पशन कि कितना जो है वो फैट इस्तेमाल किया है। तो देखा गया है कि ये दी ज़्यादा ये 6 मुल्क, हमने मैं सिर्फ जो है 4 को मेंशन किया है कि ये ग्राफ है कि जिसके अंदर देखा गया है कि जिन मुल्कों में जितनी चिकनाई या फैट की, फैटी चीज़ों की ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं, फैट कंजम्पशन ज़्यादा है, उनमें हार्ट अटैक जो है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए, अब इन्होंने किया ये है कि 22 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने ये स्टडी की थी, लेकिन मेंशन सिर्फ 6 को किया है। इसमें से वो मुल्क निकाल दिए जैसे हॉलैंड या नॉर्वे, ठीक है, इस मेंशन किए जापान, इटली, कनाडा, यूएसए, ठीक है, कि यूएसए टॉप पे है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन की जाती है तो इसमें हार्ट अटैक की जो है ना उसकी वजह ज़्यादा है, ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। लेकिन नॉर्वे, हॉलैंड जिसमें बहुत ज़्यादा फैट इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको इस स्टडी से निकाल दिया उन्होंने, ठीक है, उनको मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही चिली को मेंशन नहीं किया जबकि वहाँ स्टडी की थी कि वहाँ पे लोग बहुत कम फैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे हार्ट अटैक की मिकदार जो है, यहाँ नॉर्वे हॉलैंड में सबसे ज़्यादा फैट खाया जाता है लेकिन सबसे कम हार्ट अटैक की जो बीमारी है, जबकि चिली के अंदर सबसे कम फैट इस्तेमाल करते हैं लोग, वेरी लो फैट डाइट यूज़ करते हैं, लेकिन दे हैव अ हाई रेट ऑफ हार्ट अटैक। ये बेसिकली ये स्टडी जो है ये सारी की सारी, और ये बाद में स्टडी बड़ी पॉपुलर हुई, और ये आप ये समझें कि ये एक नई साइंस के अंदर जो है ना, ये लास्ट स्टडी, लास्ट जो सेंचुरी है उसके अंदर ये बड़ा इसका वावेला रहा है, और कई जो है सालों तक ये जो है ना इस पे ना सिर्फ डॉक्टर्स उस पर सारे के सारे बिलीव करते रहे हैं, बल्कि तमाम के तमाम लोग जो है उसी पर, उसके बाद ये सारा जो लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये मार्केट में आई है, ठीक है, और इसी हिसाब से जो सारी मेडिसन, जो सारी प्रोडक्शन जो है फूड की वो उसके हिसाब से हुई है सारी की सारी, ये एक ये उस स्टडी के बाद, ठीक है, इसको कहते हैं मदर ऑफ स्टडी फॉर द हार्ट डिजीज़। अब कोलेस्ट्रॉल के मुतलक मिथ क्या है, एक खौफ क्या है, खौफ ये है कि जी अगर आपके अंदर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक दुनिया के अंदर कोई ऐसी स्टडी अभी तक वाज़े तौर पे
कोई एक स्टडी भी मौजूद नहीं है कोई जो ये साबित करे कि जिससे ये साबित हो कि आप हाई फैट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा फैटी जो ऑयली चीज़ें खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक होता है या हुआ है। इसकी एक नॉट अ सिंगल स्टडी इज अवेलेबल, ठीक है, ज़ीरो। अब कोलेस्ट्रॉल की में ये है, बात उन्होंने ये चलाई थी कि अगर ज़्यादा फैट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। इसका क्या है जी कि इंक्रीज सैचुरेटेड फैट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होगा आपका, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो ज़्यादा हार्ट अटैक होगा, जबकि बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए जब ये बात करते हैं दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल की, ये कहते हैं हाई डेंसिटी हाई HDL, दूसरा HLDL, कि ये HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ HDL, व्हाट इज़ LDL, तो पता चलता है कि दीज बोथ आर नॉट कोलेस्ट्रॉल। HDL किसको प्रोनंस करते हैं, किस चीज़ को, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LD कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जिसे रैप्ड इन विद द लिपिड्स, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं द रैप्ड, ये उसके ऊपर लिपिड चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ये पुराना कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो लीवर के अंदर जाके रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल इट मेक अ न्यू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी जो है वो डेली तकरीबन हमें 2000 मिलीग्राम से 3000 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल जो है एवरी डे हमारी बॉडी ये बनाती है, क्योंकि ये नीड है बॉडी की कि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सर्वाइव, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कोलेस्ट्रॉल। अगर हम स्टडी करते हैं मेडिकल को, तो हमें पता चलता है कि सारे का सारा ब्रेन जो है डेट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कभी आपने मगज़ दिखाया है, मगज़ जो कभी बकरे का या किसी का पका के खाया, कभी देखा है, डेट इज़ कोलेस्ट्रॉल, फैट है टोटल। ऐसे ही अवर स्किन इज़ मेड ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी की सारी स्किन की उसकी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। फिर ये है कि हमारी जो है सेल वाल, सारे के सारे जितने सेल हैं उनकी वाल जो है इट इज़ मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फिर हार्मोन जो है हमारे, स्पेशली द सेक्स हार्मोन इज़ मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इससे ये साबित होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हम खाना कम कर देंगे या कोलेस्ट्रॉल जो है ये हम कम लेते हैं या नहीं लेते, तो वी आर इन डेंजर, अवर लाइफ इज़ इन डेंजर, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। जितनी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उस सारी की सारी इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने करके उसको रिपेयर करने के लिए वी नीड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ऐसे ही देखें, अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर जो है इसको बढ़ाते कैसे हैं, अब इससे आपको देख लेंगे ना कि HDL को कौन कौन सी फूड हम खाएंगे जिससे HDL बढ़ जाएगा। देखिए वो कौन सी फूड है, उसमें एग योक, बटर, चीज़, अंडे की जर्दी, मक्खन, चीज़, ये हम खाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा HDL इंक्रीज़ होगा। लेकिन इस वक्त सोसाइटी के अंदर ये है, किसी से जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले यही कहेगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल LDL आपका हाई है, HDL कम है, तो यही कहेंगे जी आप अंडे की सर्दी ना खाएं जी, अंडे खा लें, दो अंडे खा लें, उसकी सफेदी खा लें, आपने घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, ये नहीं खाना, ठीक है, जितनी ऑयली चीज़ें हैं वो सारी की सारी बंद कर दें। जबकि देखा ये गया है कि अगर आप ऑयली चीज़ें खाएंगे, देखें अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेंगे, आप लेते हैं ऑयली चीज़ें लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसको कम कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ेगा, आपके लीवर को कम काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी अगर क्योंकि बॉडी ने तो इसको चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम कम लेंगे तो बॉडी ज़्यादा मेक करेगी, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, अगर हम ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले लेते हैं तो बॉडी
कम बनाती है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल अगर हाई फैट डाइट इस्तेमाल करती हैं तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी रहती है, आप फैट को भी ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो सकती है और आपकी हार्ट जो है वो भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो भी हमें चाहिए। देखें विटामिन डी हमें चाहिए, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो ट्रांसफॉर्म करता है विटामिन डी को, ठीक है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमें। फैट या जो जितने भी और सैचुरेटेड फैट, देखिए इसमें हाइड्रोजिनेटेड फैट के मतलब कह सकते हैं कि वो क्योंकि वो जो है प्रोसेस्ड जो है घी होता है जैसे डालडा घी, हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन उसमें ऐड की होती है, अदरवाइज सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जो कहते थे जी घी वो घी ना खाएं जो बाहर अगर जमा हो तो बॉडी के अंदर भी जमा रहता है। देखो बॉडी के अंदर आपने कभी कुर्बानी के बाद देखा है कि किसी भी बकरा भैंस जो है गाय अगर पेट खोलेंगे तो उसके अंदर से चर्बी निकलती है, वो चर्बी किस लिए होती है, फॉर द प्रोटेक्शन। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी इंटेस्टाइन, हमारे किडनीज, हमारे जितने विसर हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको बफर एक चाहिए है, कुशन चाहिए उन्हें, फैट कुशन चाहिए है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम फैट को लेना बहुत बंद कर देंगे तो हमारे इवन हमारे जॉइंट जो हैं उनको भी जो है जो कहते हैं लुब्रिकेट करने के लिए तो हमें फैटी एसिड चाहिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये गलत फहमी या ये गलत किस्म की जो एक खौफ कोलेस्ट्रॉल के मतलब सोसाइटी के अंदर ये एक फैलाया गया था, ख़ास वजह से क्योंकि उन कंपनियों ने वो ये लॉन्च भी ऐसे करते हैं स्टडी को कि अपने ही डॉक्टर्स अपने ही बंदे जो उन्हें हायर किए होते हैं जो उनके मुलाजिम होते हैं उन्हीं से स्टडी करवा के और अपने पसंद के रिज़ल्ट जो हैं जो बाद में उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो अपनी सेल कर सकते हैं स्टडी बेस पे, इज़ अ बिग बिजनेस, इज़ अ बड़ी गेम है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल मिथ। तो इसमें ये है कि LDL, अब ये देखें HDL का हमने कह लिया कि HDL हाउ टू इंक्रीज HDL, HDL बढ़ेगा किस चीज़ से, एग योग बटर चीज़, और LDL किस चीज़ से बढ़ेगा, देखें LDL बढ़ाने वाली एक क्या किस चीज़ से LDL बढ़ता है, शुगर से LDL बढ़ता है, किसी फैट खाने से, कोई सैचुरेटेड फैट खाने से, कोई मक्खन खाने से, देसी घी खाने से, ठीक है, ऑयली चीज़ें खाने से आपका LDL का LDL इंक्रीज नहीं होता। LDL इंक्रीज होता है जंक फूड के इस्तेमाल से, शुगर के इस्तेमाल से, हाई शुगरी हाई स्वीट थिंग्स से, ठीक है, जितनी भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केक पेस्ट्री बिस्किट जो है जूस कोल्ड ड्रिंक्स इन सब चीज़ों से आपका ये LDL इंक्रीज होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल मिथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।